11,000 के अंदर आने वाला लावा का ये फोन 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लेकर आता है। अनबॉक्सिंग कर ले पहले। ये बड़ा बड़ा 5G लिखा हुआ बॉक्स और ये लिखने का प्रॉपर रीजन भी है, बताऊंगा सब कुछ। पीछे पूरा दिया हुआ है स्पेक्स एंड फिर टीपीयू केस, कुछ पुस्तकें, उसके बाद फोन। अभी इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिल जाएगा तुम्हें। अरे ये तो काफी अलग चार्जर है, इसमें ना दो USB को तुम एक ही साथ में यूज कर पाओगे। एंड ये रहा फोन। फोन को हाथ में लेकर बहुत बढ़िया एक फील हो रहा है। सीरियसली, लावा डिजाइन में काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है। अरे ये तो ग्लास है। तो लावा 11,000 के अंदर प्रोवाइड कर रहा है एक क्लास बॉडी डिजाइन, काफी प्रीमियम लग रहा है। और मेरे पास आया है ये कलर जो कि मेरे को काफी पसंद आता है, लाइक जो टर्कोइज वाला होता है, उसके बाद ऐसे टाइप के कलर्स काफी दिखने में अच्छा लगता है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर आप देख पाओगे यहाँ पर है स्पीकर ग्रिल्स, उसके बाद टाइप सी पोर्ट एंड छेद भी है ईयरफोन घुसाने के लिए। और इस वाले साइड में है वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला बटन, और ऊपर है यहाँ पे सिम इजेक्ट करने वाला ट्रे, सिम ट्रे। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिम ट्रे है उस पर आप सिम तो लगा ही सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो फिर up to 1 TB तक आप एक्सपेंड कर पाओगे अपने स्टोरेज को। और यहाँ पे जो पावर बटन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ना, उसी पर ही है फिंगरप्रिंट सेंसर। स्पीड टेस्ट दिखाएंगे। पहले ही बात कर लेते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। हाँ, यहाँ पे UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाता है तुम्हें, 128GB का रोम एंड 4GB का रैम। सो सब कुछ मिला के सफिशियंट कह सकता हूँ, किंतु परंतु एक ट्विस्ट है, रैम को एक्सपेंड किया जा सकता है इस फोन में up to 7GB तक। हाँ, 3GB एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा भाई, टोटल 7GB। और ये वाला फोन ना ऐसे खड़ा भी हो सकता है। और अब आते हैं कनेक्टिविटी में। ये फोन ना सपोर्ट करता है सारे 5G बैंड्स को जो कि इंडिया में अवेलेबल है। दैट्स समथिंग वेरी कूल। इसीलिए बॉक्स में बड़ा बड़ा 5G लिखा हुआ है और काफी शाइनी भी है। और ये रहा डिस्प्ले जो कि 720p का है, HD+ एक्चुअल रेजोल्यूशन है इसका। वैसे लावा वाले यहाँ पे Full HD+ दे सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो कि काफी सही है। एंड सबसे मजे की बात की वाइड 1L1 सपोर्टेड है ये फोन। हाई रेजोल्यूशन में कॉन्टेंट कंज्यूम करने में काफी मददगार है। अभी डिस्प्ले को देखने के लिए बैटरी चाहिए होता है, तो इधर तुम्हें 5000mAh का एक बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा। एक और मजेदार चीज बताता हूँ इस फोन का, कि तुम इसमें ना किसी का भी कॉल एनोनिमसली रिकॉर्ड कर पाओ, तो बाबू सोना जितने भी प्रॉमिस करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा बिना दूसरों को पता चले। और प्रोसेसर की बात करें तो फिर Dimensity 700 मिलेगा तुम्हें इस फोन में, जो की काफी तगड़ा एक प्रोसेसर है और होना भी चाहिए, अदरवाइज 5G चलेगा कैसे। चलो अब आते हैं कैमरास में। तो 50 megapixels का मेन कैमरा है, और हाँ ये बेसिकली एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सामने 8 megapixels का एक सेल्फी शूटर है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया था जो कि मैंने यहाँ पे शोकेस कर रखा है, लाइक कौन से कैमरा से ये शूट हुआ है, फ्रंट से या फिर बैक से, आप अपने ओर से जज कर लेना। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, तुम जब वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे ना तो तुम 2K तक वीडियो को कैप्चर कर पाओगे, और 50 megapixels दिया है तो फिर इतना तो बनता ही है। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि काफी स्टेबल भी है, तो जितना मर्जी हाथ को शेक कर लो वीडियो रहने वाला है स्टेबल। और ये रहा कुछ वीडियो सैंपल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है लावा ब्लेज 5G का रियर कैमरे का वीडियो फुटेज। आपको आवाज कैसा आ रहा है वो कमेंट करके बताना, और बाकी क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो। और ये रहा इसके फ्रंट कैमरे का वीडियो फुटेज। रुको एक बार सिस्टम में जाके तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या माल मसाला है। तो सेटिंग में जाके देखते हैं, एज यू कैन सी कि यहाँ पे एंड्रॉइड 12 अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और काफी क्लीन UI लगा मेरे को, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख लो कि ब्लोटवेयर्स एकदम से ना के बराबर है। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। रुको मैं YouTube ओपन करके दिखाता हूँ। और इस फोन में एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है कि अगर आप YouTube पे जाके किसी भी गाने को या फिर वीडियो को चलाते हो, तो फिर दिखाता हूँ कि क्या होता है। चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, स्क्रीन ऑफ है। सो पता है ना कि क्या नहीं चाहिए। और साइड में मैंने वो फिंगरप्रिंट अपना डाल रखा है, सो आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट देख लो एक बार। ये अभी ऑफ है, सो अगर मैं साइड में ऐसे करके अपना उंगली लगाता हूँ तो फिर और सिर्फ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं, आजकल के जितने भी स्मार्टफोन है उनके तरह ही इसमें फेस लॉक अनलॉक का भी सिस्टम है। सो ये रहा लावा का ब्लेज 5G। इसके ऊपर अगर टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करके बताना, बना देंगे। और इसका जो 8 megapixels का सेल्फी कैमरा है वो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगा, क्योंकि डिटेलिंग आप देख सकते हो, दैट वॉज क्वाइट इट। कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और हाँ, पर्सनली मेरे को ये वाला फोन बहुत ज्यादा सही लगा। अगर आपको परचेस करना है तो फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर सकते हो। बाकी जरूर शेयर करना।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा बजट फोन है जो कि ऑलमोस्ट हर एक जन के जो नीड है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ऊपर से रहा 5G, सो या शेयर तो बनता है। बाकी अगर तुम चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।